एवरीवन, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी, जिसमें हमें चैप्टर नंबर 3 है, उसमें हमें फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया देखना है आज के लेक्चर में। इनके सारे पार्ट्स को हम समझेंगे, ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी एंड इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए देख लेते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ओके, तो ये देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके कुछ ये पार्ट्स होते हैं, राइट। तो ओवरीज होती हैं, एक पेयर ऑफ ओवरी होती है, मतलब टू ओवरी होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। यहाँ पे एक डायग्राम जो पिक्चर है उसको आप देख लीजिए। ओविडक्ट मतलब जो फेलोपियन ट्यूब है, जो हैंड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब होती है दो। यूट्रस होता है, सर्विक्स एंड वजाइना। तो ये जो पार्ट्स हैं यहां तक, ये आपको ऑब्जर्व नहीं होते, बाहर से एक्सपोज एरिया नहीं है ये, ठीक है। अब देखिए सर्विक्स एंड जो वजाइना है, वजाइनल जो कैनाल है एक तरीके से, तो उनको मिला के हम बोल सकते हैं बर्थ कैनाल, राइट। एंड लास्ट में जो आपको दिखाई देता है, जो एक्सपोज पार्ट है, वो होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो कि आपको ऑब्जर्व होता है, दिखाई देता है, जो बाहर से दिख सकता है, इसलिए उसको एक्सटर्नल बोल रहे हैं, राइट। तो ये सारे पार्ट मिलके रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं फीमेल का, लेकिन हमें सिर्फ इतना पार्ट दिखाई देता है। अब ये जितने भी पार्ट्स अंदर के हमने बोले, वो आपको ऑब्जर्व नहीं होते, जो पिक्चर है वो आपको दिखाई नहीं देती है, राइट, बाहर नहीं दिखता है। तो अब बाहर किस तरीके से दिखाई देता है, एंड इसका बहुत ही, हम बोल सकते हैं फीमेल हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का, राइट। तो चलिए देख लेते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है, इसके कितने पार्ट्स हैं। अगर आप मुझे बोलेंगे, मुझे कमेंट्स करेंगे, तो मैं आपके लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा वीडियो भी बना दूंगी, ठीक है, इसके सारे पार्ट्स को अच्छे से क्लियर कराऊंगी। तो अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ये होते हैं। तो चलिए, कुछ इस तरीके से देखिए, ये वाला पार्ट सिर्फ हमें दिखाई देता है, ये आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। ये होता है एनस, एंड यहां पे देखो, यहां पे कुछ फैटी टिश्यू होते हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत ही बल्जिस पोर्शन है, ये फैटी टिश्यू होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, हेयर होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, देखिए ये एंड होता है, कोई भी हमने ये बिल्कुल सामने का व्यू लिया है, राइट, समझ पा रहे होंगे। तो ये है पोस्टीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड, ऊपर वाला एंटीरियर साइड, इंटीरियर साइड, क्लियर है। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से होता है। अब देखिए यहां पे कुछ इस तरीके से, इस तरीके से जो मैंने बनाया, ये लिप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम बोलेंगे क्या, ये जो फैटी टिश्यू आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, थोड़ा बल्जिस सा पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। इसके ऊपर हेयर होते हैं, ठीक है, हेयर प्रेजेंट होते हैं एंड स्किन होती है, नॉर्मल स्किन, जैसे कि हमारी स्किन है ऐसी स्किन यहां पे होती है। एंड ये जो मैंने बनाए हैं टू फोल्ड्स, तो ये इनको हम बोलते हैं लेबिया, लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा का क्या मतलब है? लेबिया मींस होता है लिप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, मेजोरा का मतलब होता है बड़ा, जो बड़े लिप्स होते हैं उनको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा, राइट, जो कि सबसे बाहर होते हैं, जो कि सराउंड करते हैं किसको, वजाइनल ओपनिंग को, जो वजाइना की ओपनिंग होती है उसको सराउंड करके रखते हैं। एंड ये कैसे होते हैं? फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं, फ्लैशी, फ्लैशी फोल्ड्स, ये भी ऑब्वियसली किसके बने होंगे, मसल्स के ही बने होंगे, ठीक है, ये भी मसल्स के बने हैं, फैट्स के बने हैं। तो ये भी इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर भी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहां पे मोन्स प्यूबिस के ऊपर हेयर होते हैं, तो इनको, इन हेयर को बोलते हैं प्यूबिक हेयर,
राइट। एंड यहाँ पे लेबिया मेजोरा के ऊपर भी हेयर मिलते हैं। ओके, इतना समझ में आया। अब देखिए इसके अंदर एक और इस तरीके से फोल्ड होता है, हम बोल सकते हैं ये क्या होता है, टू लिप्स अंदर के साइड में भी होते हैं। ये भी क्या है, बिल्कुल इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। लेबिया मींस वही लिप्स लाइक स्ट्रक्चर, राइट। माइनोरा मींस स्मॉल लिप्स, ठीक है। तो जो मेजोरा है उसके अंदर माइनर लिप्स भी मिलते हैं, मतलब ये भी एक स्किन के फोल्ड है, मसल्स के ही बने होते हैं, ठीक है। ये भी टू होते हैं नंबर में, ये भी दो हैं, ये भी दो हैं। ये किसके नीचे है, ये जो लेबिया मेजोरा है इसके अंदर के साइड में प्रेजेंट होते हैं, स्किन के ही, स्किन के नहीं बोल सकते इनको, हम मसल्स के बोलेंगे, ठीक है। मसल्स होती है ये, तो इनके ऊपर हेयर नहीं मिलते हैं। अब देखिए जो भी कुछ है इसके अंदर सारी की सारी ओपनिंग्स मिलती हैं। अब कौन कौन सी ओपनिंग्स मिलती हैं वो हम देख लेते हैं। तो जो ओपनिंग होती है, सबसे पहले मैं बताऊं तो ये जैसे इस तरीके से ये होती है वजाइनल ओपनिंग, थोड़ी अलग कलर से बना लेती हूं मैं। ये होती है वजाइनल ओपनिंग, राइट। अब ये जो वजाइनल ओपनिंग है, वजाइनल ओपनिंग जो है ये एक हम बोल सकते हैं किसी टिश्यू से या फिर हम बोल सकते हैं मेम्ब्रेन से ढकी हुई होती है पार्शियली, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, इस तरीके से मैंने इसको कवर बना दिया, पार्शियली कवर, यानी छोटा सा अपर्चर है, छोटा सा होल है, ये हम बोल सकते हैं छोटी सी ओपनिंग है जो आपको दिखाई दे रही है। तो ये है वजाइनल ओपनिंग, वजाइनल वजाइनल ओपनिंग। अब ये जो वजाइनल ओपनिंग है जो मैंने ब्लू कलर का ऐसे बनाया है, एक मेम्ब्रेन से ढकी हुई है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन है जिससे ढकी हुई है पार्शियली, राइट, पार्शियली नॉट कंप्लीटली। तो ये ढकी हुई है जिससे, जिसको हम बोलते हैं हाइमन, क्या बोलते हैं, हाइमन। देखिए बहुत सारी जगह ये माना जाता है कि अगर ये हाइमन ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब है जब भी मैरिज होती है, किसी भी लड़के की शादी होती है, तो फर्स्ट टाइम जब इंटरकोर्स होता है, तो अगर उस टाइम ब्लीडिंग नहीं होती है किसी भी रीजन से, तो ये मान लिया जाता है कि इसकी वर्जिनिटी खो चुकी है, मींस ये कैरेक्टरलेस है, इस तरीके से माना जाता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। देखिए आप सभी पढ़े लिखे हैं, यहां तक पहुंचे हैं, तो आपको इतना समझना चाहिए, आप डॉक्टर बनने वाले हैं तो आपको अपनी मेंटालिटी अच्छी रखनी है। कैसे, देखिए जो हाइमन होता है ये जब आप जब भी गर्ल्स हैवी एक्सरसाइज करती हैं तो ये ब्रेक हो जाती है, ठीक है, जैसे कि जिम में जाती हैं या फिर कोई डांस करती हैं, बहुत ज्यादा डांस करती हैं, बाइसाइकिलिंग करती हैं, हॉर्स राइडिंग करती हैं, या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से मतलब उसको चोट लग सकती है, तो उसकी वजह से भी ये जो हाइमन है ये ब्रेक हो जाता है। तो इसको बिल्कुल भी इस तरीके से ना लिया जाए कि जो हाइमन अगर ब्रेक हो चुका है, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, इट मींस क्यों कैरेक्टरलेस है, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ओके। एंड ये जो हाइमन है अगर ब्रेक नहीं होता है किसी भी गर्ल में, तो वो जब कोइटस होता है, दैट मींस फर्स्ट टाइम, या फिर हम बोल सकते हैं जब भी वो फर्स्ट इंटरकोर्स करती है, इंटीमेट होती है, देन ये ब्रेक हो जाता है। एंड एक्सेप्शन होता है, किसी किसी में ये ब्रेक तब भी नहीं होता, ठीक है। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें लिखा हुआ है कि ये कभी कभी किसी किसी फीमेल में ये ब्रेक जब इंटरकोर्स हो जाता है उसके बाद भी ये ब्रेक नहीं हो पाता, राइट। तो इसका आप वर्जिनिटी से कनेक्शन बिल्कुल भी मत लीजिए कि कोई लड़की वर्जिन है तो उसका ये हाइमन होगा, तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है, ओके। सो इतना सा मतलब था, आई होप आपको समझ में आई होगी बात, क्लियर है। अब देखो इसके अंदर एक और ओपनिंग मैंने बताया, एक और ओपनिंग होती है यहां पे, यहां पे, ठीक है, यहां पे इससे ऊपर की तरफ, तो इसको हम बोलते हैं जहां से यूरिन पास होता है, इसको बोलते हैं यूरिथ्रल ओपनिंग, क्या बोलते हैं, यूरिथ्रल ओपनिंग।
ओके, जहां से यूरिन पास किया जाता है। अब देखिए जो मेल्स होते हैं, मेल के अंदर एक ही ओपनिंग होती है जिसके अंदर से यूरिन एंड सीमन दोनों ही पास किए जाते हैं, लेकिन फीमेल में अलग अलग होती है। यहां से क्या होता है, जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मतलब ओव्यूलेशन होता है, मेंसेस होते हैं, तो उस टाइम में ब्लड बाहर आता है, सिर्फ इतनी ही जगह बचती है अगर हाइमेन प्रेजेंट है तो। ओके, एंड यहां से यूरिन आता है, मतलब दोनों जो पोर है, जो ओपनिंग्स है, वो डिफरेंट डिफरेंट है। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे चलिए मैं अगेन ब्लू कलर से बना देती हूँ। यहाँ पे एक कुछ इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देती है। क्या है बोला मैंने, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देती है, राइट? दिखाई नहीं देती एक्चुअली, इसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं इसको? क्लाइटोरिस। याद अच्छे से कर लीजिए नेम, ये जो मैंने बनाया ये क्या है? क्लाइटोरिस। ये जो होता है जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो उसी तरीके से जैसे कि मेल में पीनस होता है, तो फीमेल में ये क्लाइटोरिस है। अब जब एक्साइटमेंट होती है तो ये क्या करता है, इरेक्ट हो जाता है। जैसे कि फीमेल में पीनस क्या हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है एंड हार्ड स्टिफ हो जाता है, तो इसी तरीके से फीमेल में ये होता है एक्साइटमेंट के लिए, तो इसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। अब ये जो क्लाइटोरिस है, ये मतलब इस तरीके से ये जो फोल्ड है, इनर जो लिप है जिसको हमने बोला लेबिया माइनोरा, तो इसके एंटीरियर एंड पे है, एक तरीके से इनको जोड़ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे ये इस तरीके से ढका हुआ होता है, मैंने आपको दिखाया है ताकि आपको समझ में आए, ये इनके नीचे ढका हुआ होता है, ये पूरी तरीके से दिखाई नहीं देता है। लेकिन ये किसके बीच में, हमने बोला कि ये जो लेबिया माइनोरा है, तो इसके एंटीरियर एंड पे एक जंक्शन का काम कर रहा है, दोनों के बिल्कुल एंटीरियर एंड पे ये बीच में प्रेजेंट होता है, समझ पा रहे हैं? तो ये होता है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब देखिए बहुत सारी कभी कभी क्या होता है, बहुत हेल्थ डिजीज जो होती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होती हैं, वो भी इसी एरिया के अंदर हो जाती हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं फीमेल में, क्योंकि यहाँ का कभी कभी क्या होता है, पीएच का जो लेवल है वो क्या हो जाए, ज्यादा एसिडिक हो जाए, तो प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाते हैं यहाँ पे। तो एज ए डॉक्टर आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझनी पड़ेंगी एंड समझना भी चाहिए, आपको इन चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी हो जाता है अगर हमारा जो पीएच है वो ठीक से मेंटेन नहीं रहे। वजाइना का एक पीएच लेवल होता है, उसको मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ओके? तो यहाँ पे जो भी इन्फेक्शन होता है, तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी अगर ये फीमेल देख रही है, कोई भी गर्ल देख रही होगी, ऑब्वियसली गर्ल देख रही होगी, तो उसको बताना चाहती हूँ कि ये जो एरिया होता है ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है एक तरीके से, यहाँ पे इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, तो आपको अपनी हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? हाइजीन मेंटेन करके रखनी चाहिए जिसकी वजह से कि कोई इन्फेक्शन ना हो, राइट? तो यहीं से सर्वाइकल कैंसर, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं फीमेल्स में। तो देखिए मैंने बोला कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया हमें सिर्फ कहां से दिखाई देता है, बाहर से दिखाई देता है, ओके? अब जो भी हमें देखा, हमने देखा ये जो पिक्चर है, एक बार आप फिर से देखिए ये जो पिक्चर है, तो इसके बिल्कुल नीचे वाला एंड देखिए, नीचे वाला एंड जब आप देखते हैं तो ये इसके अंदर, ये जो ओपनिंग है वजाइनल ओपनिंग, इसके अंदर से स्टार्ट होता है एंड अंदर तक ये जाता है, ठीक है? ये बॉडी के अंदर जाता है, राइट? तो ये यहां सिर्फ ये वाली ओपनिंग हमें दिखाई देती है, ये जो सिस्टम है, ये जो पिक्चर में मैंने दिखाया वो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, ओके? सो आई होप आपकी हेल्प हुई होगी आज की वीडियो से। तो अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो मैं और वीडियोस बनाऊंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।